Good morning, children. Good morning, everybody. Good morning. कल के previous class में क्या हुआ था? आपको पता है, समझ रही हूँ. चलो एक छोटा सा, थोड़ा दो दिन कल के lesson के लिए आपको एक सवाल जवाब करेंगे. हाँ और तुम? मैं सवाल पूछती हूँ, आप थोड़ा कल के lesson के बारे में answer देना. कल एक बड़ा जंगल में कौन रहता था? आपको पता है कौन रहता था? बालू. बालू में भी रहता था. ये बालू को क्या कहते थे? बालू को कहते थे भोला काका. बोलू काका कहते थे. ये बोलू काका कैसे था? सीधा साधा एक सिंपल जानवर था. ये सब जानवर एक जंगल के जानवर उसे क्या कहते थे? बोलू काका कहते थे. वो बोलू काका जाते समय किस पर पाँव रखा, पैर रखा? वो लोमड़ी के, फॉक्स के पैर पर पाँव रखा. पाँव रखकर खेलने के लिए क्या हुआ? वो चोट लगा, वो चिल्लाने लगा, शोटिट करने लगा. तब वो माफी मांगा. हम माफी मांगने से वो लोमड़ी माफ नहीं किया. और क्या कहा? तुम्हें चोट नहीं लगा, मुझे चोट लगा है, इसलिए मुझे बहुत दर्द है. आपको मैं क्या करूँ, भूखा हूँ, मुझे एंग्री हुआ है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कैसे पाऊँ, कैसे मुझे फूड सर्च कर लो. ये बोलने से आप मैं ट्रीटमेंट दूंगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, सपोर्ट छेलो छेलेंगे, मेरे घर आपके इलाज करूंगा, आपके पाँव फूट ठीक होए तक मैं आपको देखभाल करूंगा, सर्विस करूंगा. कहकर घर ले चला वो बोलू काका लोमड़ी को घर ले चला. और कैसे ट्रीटमेंट करेगा देखेंगे. चलो बोल लेसन पढ़ोगे 39. देखो बोलू काका लोमड़ी को अपने घर में आया, वहां उसकी दिन रात सेवा करने लगा. पहले उसे खिलाता, फिर आप खाता, उसके पैर पर पट्टी बांधा, उसे सुलाता सोता, दिन निकालने पर पूछता था, अब आपकी चोट कैसे है जी? लोमड़ी उत्तर देती, कल दर्द थोड़ा कम था, पर आज फिर बढ़ गया है जी. बाद में बोलू जंगल में चला जाता तो खूब उछल कूद मचाते, मजा से खेलते. एक दिन बोलू काका को नट्टू खरगोश मिल गया. वो उसने बोलू काका को राम राम की और बोला, नट्टू खरगोश बोला, अरे बोलू काका कहाँ चले? बोलू काका बाय खरगोश के यहाँ पूछने पर बोलू काका ने उसे सारी बात बता दी. खरगोश के बहुत चतुर था. हाँ लोमड़ी की चालाकी को समझ गया. उसने बोला काका से कहा, नट्टू खरगोश काका लोमड़ी को अंगूर की नहीं डॉक्टर की जरूरत है. ओके और एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट और एक बार देखो ध्यान से सुनो. बोलू काका लोमड़ी को अपने घर ले आया, वहाँ उसकी दिन रात सेवा करने लगा. पहले उसे खिलाता, फिर आप खाता, उसके पैर पर पट्टी बांधा था, उसे सुलाकर सोता, दिन निकालने पर पूछता, अब आपकी चोट कैसे है जी? लोमड़ी उत्तर देती, कहाँ कल दर्द थोड़ा कम था, पर आज फिर बढ़ गया है जी. बाद में बोलो जंगल में चला जाता तो खूब नाचता, उछलता, कूदता, मचाती, मजे से खेलती. एक दिन बोलो काका और नट्टू खरगोश
था, अब आपको मैं बताती हूँ। कल वो लोमड़ी को घर लेने ले जाने के लिए वो सपोर्ट दिया, वो घर आए। घर आने के बाद बोलू काका को लोमड़ी को अपने घर ले आया, अपने घर बोलू काका ले आए। किसे? फास्ट लोमड़ी को ले, क्योंकि पांव को लेको क्या हुआ था, चोट लगा था, वो दर्द हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, वो इंजरी हुआ था, वो चल नहीं सकता था। इसलिए बोलू काका ने उसके सहारा, बोलू काका के सहारे से वो अपने आप घर आया। वहाँ उसकी दिन रात सेवा करने लगा। क्या करने लगा बोलू काका? वो उसकी दिन रात डे नाइट उसकी सर्विस, उसकी शुश्रूषा करने लगा, उसकी बहुत देखभाल करने लगा। कैसे है, कैसे है, नहीं तो इम्पॉर्टेंट देने लगा, और चोट लगा है उसे देखना। पहले उसे खिलाता था, पहले वो लोमड़ी को खिलाता था, इटिंग खिलाता था, आफ्टर वो अपने आप खाता था, वो बोलू काका उतना अच्छे से देखता था। उसके पैर पर फट्टी बांधा था, वो क्या हुआ बैंडेज बना था, वो किससे, फुट को चोट लगा था उसे बैंडेज करना, उसे सुलाता था, वो सोने के बाद सुलाता था, वो पाँव की ओर बेड बिछा कर आराम से सोते थे। बाद में तीन निकल डेट आफ्टर टुमारो मॉर्निंग को वो पूछता था, क्या अब आपकी चोट कैसे है, अब आपके इंजरी कैसे है, आपके दर्द कैसे है, पेन कैसे है, ये मेरी डे पूछता था। किसे? वो लोमड़ी को पूछता था। लोमड़ी ने सर, क्या कल यस्टरडे थोड़ा कम था मेरा दर्द, पेन थोड़ा कम है, तो टुडे आज बहुत है, बहुत पेन है मुझे, बहुत पेन है मुझे, चल नहीं सकता, ऐसा बोलता था। बाद में बोलू काका जंगल चले जाता था। वो बोलू काका क्या कहता, पारस को जाता था, क्योंकि वो फुट रिसर्च करने के लिए चला जाता। वो तो वो निकलते आउटसाइड गए, जंगल जाने पर ये लोमड़ी को नाचता था, खेलता था, प्रेइंग वो वॉकिंग सब भी करता था, बहुत मजे से, बहुत हैप्पी से दिन कटता था, आराम से रहता था। ये दिन वंडे बोलू काका को नट्टो खरगोश मिल गया, वंडे बोलू काका को कौन मिला, खरगोश रैबिट मिला, नट्टो रैबिट मिला। उसने बोलू काका को राम राम, वो बोला कौन ये नट्टो खरगोश, बोलू काका और बोला, अब बोला क्या, अरे बोलू काका कहाँ चले, अरे बोलू काका मेरा कोई, वो पूछा बोलू काका कहा, भाई लोमड़ी के लिए अंगूर लेने जा रहा हूँ। वो लोमड़ी कौन है, वो फास फास के लिए ग्रेप्स लाने जा रहा हूँ, क्योंकि खाने के लिए, वो चोट लगा है, इंजरी हुआ मेरे ही पाँव से, वो इंजरी हुआ इसलिए लाने जा रहा। नट्टू खरगोश को बहुत सोचा, पर क्यों भाई काका, खरगोश के नाम पूछने पर खरगोश पूछा क्यों लाने जा रहा है। वो बोलू काका उसकी सारा फुल स्टोरी बता दिया, किसकी और क्या क्या किया था, मेरे काका वो उसे चोट लगा, इससे इसकी देखभाल कर लो, वो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सब भी बोला। खरगोश बहुत चतुर था, खरगोश क्या था, बहुत सुपरमैन था वो रैबिट। वो क्या करा, वहाँ लोमड़ी के चालाकी को समझ गया, लोमड़ी कैसा है, वो बहुत चालाकी था, उसे समझ गया। उसने बोलू काका से कहा, वो बोलू काका से बोला कौन, नट्टू खरगोश, नट्टू खरगोश काका
लौंडी को अंगूर की नहीं इम्पोर्टेंट, वो लौंडी को फॉक्स को नो इम्पोर्टेंट ग्रेस, ओनली डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। चलो डॉक्टर के लिए ले चलेंगे, कहा कल डॉक्टर के पास कैसे चले चलता है, डॉक्टर कैसे उसे ट्रीटमेंट देता है, कल देखेंगे लौंडी को। लेकिन आज तो इतना ही बस, क्योंकि ये लौंडी का देखो जब अंदर की ये आदत कैसी है, कल उसे चोट लगा, वो घर लेकर आया और बोलो काका आज घर में उसे ट्रीटमेंट देकर वो उसका फ्रेंड नट्टू का कश्मीर से क्या क्या हुआ आपको पता है। ओके कनाडा में नहीं एक बार नट्टू खरगोश मने बंदो मन के तन सहाय बालू काका मन के लौंडीन कर्क बंदन अलग अदे तो ऊट मासी आमल ऊट मात अब कारी फ्रक्चर आयो अद पट्टी कटीत बेगे आगे हेगिया हेगे ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಬೋಲು ಕಾಕ ಏನ್ಮಾಡ್ತು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಕಾಡಿ ಕಾಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ನರಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತು ಕುಣಿತು ಉಪ್ಪಳಿಸಿತು ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಕಾಡಿ ಹೋಗ್ತ ಬೋಲು ಕಾಕಗೆ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಕರ್ಕೋಶ್ ಒಂದು ಮೊಲ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಏನಂತ ಯಾಕಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೂರು ಏಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬೋಲುಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಮೊಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನರಿಯ ಮೋಸದ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮೊಲ ಬಲುಕಕ್ಕ ಇದು ಅವರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲುಕಕ್ಕೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಪೋ ಕ್ಯಾ ಲೆಸನ್ ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಪೋ एक एक बार ऐड करना है चलो एक बार पढ़ो आज के लिए इतना बस ओके थैंक यू।